तो दोस्तों, ऊपर वाला जब आपसे कुछ छीन लेता है तो ये मत सोचो कि उसने आपको कोई दंड दिया है, ये मत सोचो कि वो आपके साथ कुछ बुरा कर रहा है। ये हो सकता है कि उसने आपका हाथ बिल्कुल खाली कर दिया हो। कारण ये है कि आपको पहले से कुछ और भी ज़्यादा बड़ा और भी ज़्यादा बेहतर अपने हाथों में मिलने वाला है। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूँ द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है April 3rd, 2019। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, मैं अन अकेडमी पर एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूँ, तो आप लोग अन अकेडमी की लर्निंग ऐप पर भी मेरा नाम सर्च करके मुझे फॉलो कर सकते हो। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के चुनाव में कौन कौन से लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं। इसका जो आंसर है वो है, यहाँ पर जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। एज वेल एज फिफ्थ स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट असेंबलीज एंड यूनियन टेरिटरीज। थस इसका जो आंसर होगा वो होगा C, 1, 3 एंड 5। आज का जो आपके लिए सवाल है वो रिलेट करता है एमीसैट सैटेलाइट से, जिसको हम लोगों ने PSLV C-4-5 की मदद से लॉन्च किया। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेटेलाइट है, मिलिट्री के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसको अभी इसरो ने लॉन्च किया, उससे रिलेटेड 3 स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट कह रही है, एमीसैट इज कैपेबल ऑफ गैदरिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रेटेजिक वैल्यू इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में यहाँ पर हमारे लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इन्फॉर्मेशन लेकर आने की, गैदर करने की यहाँ पर कैपेबिलिटी एमीसैट के अंदर है। इसके जो डिवाइसेज हैं उन्हें DRDO ने डेवलप किया है। दूसरी स्टेटमेंट है, इट इज सेट टू सर्व एज एन एक्सपेरिमेंटल प्लेटफॉर्म इन स्पेस एज इट इज फिटेड विद रिसर्च इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम द इसरो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस कॉल्ड द रेडियो एमेटर सैटेलाइट कॉरपोरेशन। तीसरी स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द PSLV C-4-5 फ्रॉम श्रीहरिकोटा एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 950 मीटर। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शंस हैं A, 1 and 2 only, B, 2 and 3 only, C, 1 and 3 only या D, all of the above। अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। स्टार्ट करते हैं द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर 1 पे आपको आज की जो सबसे बड़ी खबर मिलती है वो है RBI सर्कुलर टू बैंक ऑन लोन डिफॉल्टर्स क्वेस्ट। देखो, पेज नंबर 1 पे जो खबर आई है वो थोड़ी सी लिमिटेड है, तो इसके साथ हम लोगों को बाकी सारे पेजेस की भी न्यूज़ लिंक करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हम लोग आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 10 की तरफ। यहाँ पे आपको जो खबर मिली है वो है RBI सर्कुलर टू बैंक ऑन लोन डिफॉल्टर्स क्वेस्ट। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फरवरी 2018 के अंदर एक सर्कुलर निकाला था। उस सर्कुलर के अंदर यहाँ पर बैंक्स को बोला गया था, अगर आप लोगों ने यहाँ पर लोन दिए हुए हैं 2000 करोड़ रुपए के ज़्यादा के, तो आप लोग या तो 180 दिन के अंदर उन सारे के सारे जो स्ट्रेस असेट्स हैं उनको रिजॉल्व करो, या तो आप उनको इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड के अंदर उनके खिलाफ कार्रवाई चालू कर दो। पर यहाँ पर जो सर्कुलर था उसने 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को मिस किए, जो कि सेक्शन 35AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2017 के अंदर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यही बोला है कि वो 2 फैक्टर्स को जो मिस किया गया है वो एक लैप्स है इस पर्टिकुलर चीज़ के अंदर, इसलिए इन सारी की सारी चीज़ों को जो सर्कुलर निकाला गया था उसे क्वैश कर दिया गया है, उसे ख़त्म कर दिया गया है। जस्टिस नरीमन ने यहाँ पे राइटिंग में बोला कि RBI का जो सर्कुलर था उसको अपनी पावर यहाँ पे सेक्शन 35AA ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2017 से मिली, जो कि यहाँ पर कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय ऑर्डर ऑथराइज द रिजर्व बैंक टू इश्यू डायरेक्शंस टू एनी बैंकिंग कंपनी और बैंकिंग कंपनीज टू इनिशिएट इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन प्रोसेस इन रिस्पेक्ट ऑफ डिफॉल्ट अंडर द प्रोविजन ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। कि सरकार यहाँ पर ऑर्डर निकाल के RBI को यहाँ पर डायरेक्शन दे सकती है, RBI को पावर दे सकती है कि RBI डायरेक्शंस इशू करे बैंकिंग कंपनीज को कि यहाँ पर किस तरीके से प्रोसेस चालू होना है IBC 2016 के अंदर। पर यहाँ पे किन 2 फैक्टर्स को मिस आउट किया गया, दोस्त 2 फैक्टर्स आर, नंबर 1 ऑथराइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की ऑथराइजेशन कहाँ से आई,
यहाँ पे सीधा तो आरबीआई ने ही यहाँ पर एक ई ऑर्डर निकाल दिया। नाउ द सेकंड थिंग इज कि यहाँ पर स्पेसिफिक डिफॉल्ट का कोई भी कंसर्न नहीं था, विच डिड नॉट कंसर्न अ स्पेसिफिक डिफॉल्ट। यहाँ तो सिर्फ 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की बात की गई, कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया कि वो डिफॉल्ट किस पर्टिकुलर चीज़ से रिलेट करेगा। ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जिनके अंदर आके यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ये सेक्शन 35AA को वायलेट करता है। नाउ इन देयर चैलेंज द पावर सेक्टर कंपनीज जो कि यहाँ पे चीफली आर्ग्यू कर रही थी इस पर्टिकुलर केस के अंदर, उनका यही कहना था कि यहां पर मैक्सिमम हमारे वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आ गए हैं, तो कोई स्पेसिफिकेशन नहीं आई है। ओके, और यहां पे जो चीज लास्ट बट नॉट द लीस्ट बोली गई है वो है वन सॉल्यूशन नॉट फिट ऑल। आप एक सॉल्यूशन को आप लोग बाकी सारी चीजों से फिट नहीं कर सकते। अब वापस आ जाओ पेज नंबर 1 पे, 84 पेज जजमेंट की यहां पे बात हो रही है। जो मेन चीज है वो हम लोगों ने पिछले वाले पेज नंबर 10 वाले आर्टिकल में कवर कर ली। यहाँ पर बोला गया कि सबसे ज़्यादा जो रिलीफ मिला है वो किन सेक्टर को मिला है, पावर सेक्टर को, टेलीकॉम सेक्टर को, स्टील सेक्टर को, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को, शुगर सेक्टर को, फर्टिलाइजर सेक्टर को। आप लोग समझ सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर आई हैं, सबसे ज़्यादा डिफॉल्ट्स इन्हीं पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर हुए हैं। Now all insolvency proceedings initiated against the debtors under this particular circular have been declared non-est। जो पहले इस particular circular के बाद इनमें से किसी भी company के खिलाफ कोई भी चीज़ें चालू हो चुकी हैं उन सबको ही साथ में quash किया गया है। RBI ने यहाँ पर क्या बोला इस particular verdict के बाद, RBI ने बोला these huge amounts that are due should come back into the economy for further productive use। देखो RBI का मेन मकसद क्या है, RBI का मेन मकसद था यहाँ पे मनी सप्लाई को बढ़ाना, क्योंकि हम लोग खुद जानते हैं कि देश में आज की डेट हमें मनी सप्लाई की ज़रूरत है, पैसों की ज़रूरत है मार्केट में, और उन्हीं सब चीज़ों को लाने के लिए RBI ने इतना बड़ा स्ट्रिक्ट ऑर्डर फरवरी के अंदर निकाला था कि 180 दिन की यहाँ पे लिमिट कर दी जाए। और यहाँ पर RBI ने बोला है कि हम लोगों ने स्पेशल ट्रीटमेंट या स्पेशल कोई चीज़ इसलिए नहीं निकाली, एक हम लोगों ने कोई दायरा इसलिए तय नहीं किया क्योंकि वी शुड हैव ट्रीटेड अनइक्वली इक्वली। बट यहाँ पे जो कंपनी है उनका यह कहना था कि आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पे वायलेट हुआ है, कि यहाँ पे अलग अलग कंपनीज को क्यों यहाँ पर पैसों के बेसिस पे, डिफॉल्ट्स के बेसिस पे यहाँ पे डिवाइड कर दिया गया। सो इट इज़ अगेंस्ट द आर्टिकल नंबर 14 राइट टू इक्वालिटी। साथ ही पेज नंबर 13 पे भी आपको इसी से रिलेटेड एक आर्टिकल मिलता है, सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट को डिले रिजोल्यूशन ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स। आरबीआई भी इसी चीज़ को कह रहा है कि जो स्ट्रेस्ड असेट्स हैं उनको रिजॉल्व करना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए आरबीआई ने वो इतना बड़ा ऑर्डर निकाला। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो वर्डिक्ट सुनाया है कि उस ऑर्डर को क्वैश कर दिया जाए क्योंकि दो इंपॉर्टेंट चीज़ों को मिस किया गया है। और उसके बाद यहाँ पर जो चीज़ें स्पेकुलेट की जा रही हैं वो ये हैं कि स्ट्रेस्ड असेट्स का जो रिजोल्यूशन होना था उसमें हमें थोड़ा डिले होता हुआ नजर आएगा। इन शॉर्ट व्हाट डिड द फरवरी 12th 2018 सर्कुलर फ्रॉम आरबीआई से क्या बोला, ये बोला कि बैंक को क्लासिफाई करना है बड़े लोन्स को एज द स्ट्रेस्ड विद इन अ डे ऑफ डिफॉल्ट। जिस दिन वो डिफॉल्ट होंगे उसी दिन के यहाँ पर अंदर ही आप लोगों को क्लासिफाई करना पड़ेगा, बैंक्स को फ्रेम करना पड़ेगा एक रिजोल्यूशन प्लान, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स चालू करनी पड़ेगी 180 दिन के अंदर। नाउ इस सर्कुलर को क्यों ब्रोट डाउन किया गया, रीज़न क्या था यहाँ पर, इसको क्यों यहाँ पर लाया गया। नाउ एग्जिस्टिंग स्कीम्स जैसे हमारी कॉर्पोरेट डेट रिस्ट्रक्चरिंग है या सस्टेनेबल रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ स्ट्रेस्ड असेट्स है S4A है, स्ट्रेटेजिक डेट रिस्ट्रक्चरिंग है SDR है, या जॉइंट लेंडर्स फोरम है, वो यहाँ पर ये आ गई थी कि वो इनएफेक्टिव है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। बैड लोन्स वर पुशिंग 10% ऑफ द टोटल एडवांसेस, बैड लोन्स बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। और यहाँ पर इस इनैक्टमेंट के बाद बहुत सारी कंपनीज के ऊपर एक्शन लिए गए, उन कंपनीज को रिलैक्सेशन मिला है सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े वर्डिक्ट के बाद। यहाँ पर हम कुछ एनालिस्ट की बात करेंगे, जो BNP प्रभास या जो शेर खान, हम आप लोग बात सुनते होंगे शेर खान जो कि शेयर मार्केट को यहाँ पे ऑब्जर्व करता है, उनके यहाँ पे ऑफिशियल का कहना है वी बिलीव दैट द डेवलपमेंट विल बी नेगेटिव फॉर द लेंडर्स। जो लेंडर्स हैं उनके लिए नेगेटिव है, लेंडर्स मतलब जैसे बैंक्स है, बैंक्स आर द लेंडर्स, बैंक्स ने यहाँ पे पैसे दिए हैं, एंड मे प्रोलॉन्ग द रिकवरी फेज फॉर द बैंक्स। बैंक्स के लिए जो रिकवरी फेज है उसका समय हमें और भी बड़ा होता हुआ नजर आएगा। बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज का ये भी कहना है कि इससे वो यहाँ पे उनकी क्रेडिट रेटिंग भी डाउन कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे। साथ ही बैंक्स हैव मेड द प्रोविजन ऑफ ओवर 25-40% ऑन दिस पर्टिकुलर अकाउंट, इसीलिए यहाँ पर कोई भी जो इम्पैक्ट है उसको यहाँ पर असेट क्वालिटी के अंदर हम लोग प्रॉफिटेबल नंबर्स में नहीं देख सकते।
यहाँ पर इकरा जो एक फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग एजेंसी है उसका ये कहना है द टोटल एस्टिमेटेड डेट इम्पैक्ट ड्यू टू द सर्कुलर इज ऑफ 3.8 लाख करोड़ अक्रॉस द 70 लार्ज बोरोअर्स एंड 92% ऑफ दिस डेट वॉज क्लासिफाइड एज अ नॉन परफॉर्मिंग बाय बैंक्स ऑन March 31st, 2018। तो देखो दो तीन दिन पहले ही 92% जो डेट है उसको नॉन परफॉर्मिंग डिक्लेयर किया था और अब उस पर्टिकुलर डिसीजन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप कर दिया है। अब यहाँ पे देखने वाली चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने अंडर द लॉ उसके अंदर हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आप लोगों ने लॉ को फॉलो नहीं किया, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो नहीं किया, जिस तरीके से वो ऑर्डर सामने आना चाहिए था उन तरीकों को फॉलो नहीं किया, आप राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ गए। तो अब देखो कि क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लॉ को फॉलो करके उसके बाद हमारे लिए कोई नई चीज़ लेकर आता है या नहीं। आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 1 पे ही आपको एक और खबर मिलती है, एंजाइम टू कर बैक्टीरिया सेल ग्रोथ डिस्कवर्ड। सबसे पहले व्हाट आर दीज एंजाइम्स, एंजाइम्स क्या होते हैं? आप लोगों ने कैटलिस्ट के बारे में सुना होगा। कैटलिस्ट क्या करते हैं, हमारे जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनकी स्पीड इंक्रीज कर देते हैं और उसमें जो टोटल टाइम लगता है उसको डिक्रीज कर देते हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी कुछ कैटलिस्ट होते हैं जिनको हम लोग बायोलॉजिकल कैटलिस्ट के नाम से जानते हैं, एंड दीज बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर एंजाइम्स जो हमारी बॉडी के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा स्पीड में कर देते हैं। साइंटिस्ट जो कि सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी से रिलेट करते हैं उन्होंने डिस्कवर किया है यहाँ पे एक नया एंजाइम विच हेल्प्स इन ब्रेकिंग सेल वॉल्स ऑफ बैक्टीरिया। जो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल्स होती हैं उनको ब्रेक करने में यहाँ पे वो पर्टिकुलर एंजाइम मदद करता है। इस वजह से एक पोटेंशियल हमारे सामने आ सकती है कि हम लोग एक नया ड्रग डिलीवरी रूट डिस्कवर कर सकते हैं टू अरेस्ट द एंटी बैक्टीरियल रेजिस्टेंस टू द एग्जिस्टिंग एंटीबायोटिक ड्रग्स। जो यहाँ पे बैक्टीरिया एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस हो जाते हैं, दवाइयों का उन पे कोई असर नहीं होता, अब उनको भी हम लोग टारगेट कर पाएंगे क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे एक नया एंजाइम डिस्कवर कर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया, एक्सप्लेन किया गया है दैट इट इज अ वेरी क्रूशियल डिस्कवरी जिससे हम लोग समझ पाएंगे कि हाउ सेल ग्रो इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर सेल किस तरीके से ग्रो कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो एंटीबैक्टीरियल रेजिस्टेंस वाली कैपेबिलिटी किस पर्टिकुलर पर्पस के लिए और किस तरीकों से लेकर आते हैं। साइंटिस्ट जो कि पूरी दुनिया से यहाँ पे इन्वॉल्व करते हैं वो इसी पर्टिकुलर फेनोमेना को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से जो इक्वली बैक्टीरियल सेल्स हैं वो वर्क करते हैं, डिवाइड करते हैं, ग्रो करते हैं और उससे यहाँ पे डिजीजेज जैसे कॉलेरा, लेप्रेसी, ट्यूबरकुलोसिस उनको हम लोग यहाँ पर एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे हम लोग उनको रिजॉल्व कर सकें, उनके हिसाब से हम लोग मेडिसिन जनरेट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी एंड हर रिसर्च स्कॉलर यहाँ पे पवन कुमार जी उन्होंने वो वर्क कर रहे हैं यहाँ पे कि जो सेल हैं वो किस तरीके से सिंथेटिक मशीनरी को यहाँ रन करते हैं, बिल्ड करते हैं अपनी सेल वॉक को इन द फर्स्ट प्लेस, आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल प्लेयर्स को जो कि इस पर्टिकुलर जो प्रोसेस है इसके पीछे से काम कर रहे हैं, बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, कुछ नया मैकेनिज्म, नए एंजाइम्स यहाँ पे खोजने की कोशिश कर रहे हैं जिससे जो सेल वॉल है उसको यहाँ पे रेगुलेट किया जा सके। उसी के ही अंदर हम लोगों ने यहाँ पे इस एंजाइम को निकाला है जो कि बैक्टीरियल सेल ग्रोथ को यहाँ पर रोक सकता है। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सीजर एंजाइम का इस्तेमाल करेंगे जो कि जो सेल वॉल है उसको कट कर देगा, सीज कर देगा। तो ये आपको एक पेज नंबर 1 पे खबर मिली। पेज नंबर 3 पे आपको खबर मिलती है, रिकंसीडर पॉल बॉयकॉट सेज मिजोरम CEO। मिजोरम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर आशीष कुंद्रा जी का यहाँ पे कहना है, उन्होंने अपील की है टू कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सिविल सोसाइटीज़ और जो स्टूडेंट का ग्रुप है जो कि यहाँ पर अप्रैल 11 के अंदर जो पोल होने वाले हैं, चुनाव होने वाले हैं लोकसभा के, उनको बायकॉट करने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो एनजीओ की कोऑर्डिनेटिंग कमेटी है उसने मंडे को बोला दैट इट वुड बायकॉट पोल्स टू द लोन मिजोरम पार्लियामेंट्री सीट इफ स्पेशल पोलिंग बूथ्स वर एस्टैब्लिश्ड इन द स्टेट फॉर ब्रू रिफ्यूजीज स्टेइंग इन नेबरहुड त्रिपुरा। देखो यहाँ पे बेसिकली जो ब्रू रिफ्यूजीज हैं उनसे रिलेटेड चीज़ हो रही है। बात ये हुई कि मिजोरम के अंदर क्या होगा, जो पार्लियामेंट्री सीट है उसके अंदर एक अलग से पोलिंग बूथ्स बनाए जाएंगे जिनके अंदर सिर्फ यहाँ पे ब्रू लोग जाके वोट करेंगे, उसके खिलाफ यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। मिस्टर कुंद्रा ने यहाँ पर सिविल सोसाइटीज को अर्ज किया है कि लोगों का जो डेमोक्रेटिक राइट है वोट करने का उससे लोगों को यहाँ पर डिप्राइव ना किया जाए और ये भी चीज एंश्योर की जाए दैट द पीपल ऑफ मिजोरम हैज रिप्रेजेंटेशन इन द पार्लियामेंट।
मीटिंग के अंदर इसी चीज़ को डिक्लेयर किया गया। अब बेसिकली इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट बीच में आने के चांसेस हैं, क्योंकि राइट टू इक्वालिटी का भी मुद्दा आ सकता है कि आप किसी के लिए स्पेशल प्रिविलेज कैसे दे सकते हो, आप लोग अलग से यहाँ पे पोलिंग स्टेशन क्यों लगा रहे हो। बट यहाँ पे लोगों की सिक्योरिटी के लिए ही लगाए जा रहे हैं, कि ब्रू लोगों को वहाँ पर थोड़ा सा खतरा होता है, ठीक है, उनके यहाँ पर सिक्योरिटी का मुद्दा आता है। उन्होंने बोला कि देयर वॉज नो एग्रीमेंट दैट द ब्रू रिफ्यूजी विल कास्ट देयर वोट इन दीज पोलिंग स्टेशन ऑफ मिजोरम वेयर दे वर एनरोल्ड एज वोटर्स। ओके, तो ऑर्गेनाइजेशन वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट दोज लिविंग आउटसाइड द मिजोरम शुड नॉट बी अलाउड टू वोट इन द स्टेट। जो लोग यहाँ पे मिजोरम के बाहर के हैं, बाहर के ब्रू हैं, जो मान लो त्रिपुरा के अंदर रह रहे हैं, बाकी सारी और स्टेट्स के अंदर रह रहे हैं, उनको वोट करना अलाउ नहीं करना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आपके लिए छोटा सा सवाल, राइट टू वोट हमारा किस पर्टिकुलर टाइप का वोट राइट है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके मुझे जरूर बताना। कॉन्स्टिट्यूशनल है, लीगल है, सिविल राइट है, किस तरीके का राइट है। पेज नंबर 4 पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एक पिक्चर मिलती है विद अ टेंडर टच। यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे कोंकण फॉरेस्ट के बारे में, और यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे ऑलिव रिडले टर्टल्स। ओके, दीज आर ऑलिव रिडले टर्टल्स, और यहाँ पे उनके आप बेबीज देख सकते हो। तो ऑलिव रिडले टर्टल्स का ये सीजन है, जिस सीजन में वो यहाँ पे मेट करते हैं। दे आर एंडेंजर्ड स्पीसीज, और ज़्यादातर जो गर्म पानी होता है, जो वार्म वाटर्स होता है, खासकर पैसिफिक और इंडियन ओशन के अंदर, वहाँ पर हम लोगों को ऑलिव रिडले टर्टल्स देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा छोटे ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ टर्टल्स होते हैं, एज वेल एज पूरे के पूरे ओशन में सबसे ज़्यादा एबंडेंट मात्रा में भी हम लोग ऑलिव रिडले टर्टल्स को देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओडिशा के अंदर, आंध्र प्रदेश के अंदर, कर्नाटका के कुछ एरिया के अंदर ये आते हैं मीट करने। ओके, ओडिशा का ऋषिकुल्ला कोस्ट बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ पे। तो आगे बढ़ते हैं, पेज नंबर 5 पे आपको एक और खबर मिलती है। SCS फॉर स्टेट्स नॉट पॉसिबल अंडर फिनेंस पैनल रूल्स, सेज जेटली। अरुण जेटली जी का यहाँ पर ये कहना है कि जो स्पेशल फिनेंस पैकेज आंध्र प्रदेश को दिया गया है वॉज इन द ल्यू ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस एज द 14th फिनेंस कमीशन हैड रिमूव द ग्रांटिंग ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेट टू एनी स्टेट। देखो, 14th फिनेंस कमीशन, जिसको यहाँ पर YV रेड्डी जी ने हेड किया था, उस समय डिक्लेयर किया गया था कि जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स का जो क्लॉज है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश की डिमांड होने लगी, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना अलग हुए, तो आंध्र प्रदेश डिमांड करने लगा कि मेरे को स्पेशल कैटेगरी स्टेट का स्टेटस मिलना चाहिए। बट यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेशल कैटेगरी स्टेट की जगह स्पेशल फिनेंशियल पैकेज आंध्र प्रदेश को दे दिया था। फिर भी यहाँ पर आंध्र प्रदेश की सरकार बार बार रिक्वेस्ट कर रही है कि हमको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, और सरकार उसी के खिलाफ है। सरकार इसी चीज़ को दोहरा रही है कि यहाँ पर 14th फिनेंस कमीशन ने उस चीज़ को क्वेश्चन कर दिया, तो इस वजह से हम लोग आपको नहीं दे सकते। तो दिस रीट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्टैंड सीम्स टू रूल आउट एनी रीथिंग। और यहाँ पे जेटली जी ने बोला है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है, जो प्रोविजन है यहाँ पे कांग्रेस के मैनिफेस्टो का, जो कि यहाँ पे प्रॉमिस कर रहा है स्पेशल कैटेगरी स्टेट टू द आंध्र प्रदेश, वो यहाँ पे गलत चीज़ है, क्योंकि फिनेंस कमीशन ने उस पर्टिकुलर चीज़ को ख़त्म कर दिया था। और भी बहुत सारी स्टेट हैं, जैसे ओडिशा है, झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, वो भी इसी तरीके की डिमांड कर रहे हैं। एंड हाउ कैन सेंटर बी स्टेप मदरली टूवर्ड्स स्टेम। हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, अगर एक स्टेट डिमांड कर रही है दूसरी भी कर रही है, और जब हम किसी एक को नहीं दे सकते तो हम बाकियों को भी नहीं दे सकते। छोटी सी चीज़ें आपको, आपके लिए स्पेशल कैटेगरी स्टेट के बारे में, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कोई भी ऐसे कैटेगराइजेशन नहीं है कि किसी स्टेट को हम लोग यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करेंगे। बट यहाँ पे हम लोग रिकॉग्नाइजेशन करते हैं कुछ रीजन के, जो हमारे देश हैं उनके जो हिस्टोरिकल डिसएडवांटेज हैं या ज्योग्राफिकल डिसएडवांटेज हैं, फिनेंशियल डिसएडवांटेजेस हैं, उनको देखकर हम लोग कुछ स्टेट्स को स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के अंदर डालते हैं। सेंट्रल प्लान असिस्टेंस टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैज़ बीन ग्रांटेड इन द पास्ट बाय द अर्स्टवाइल प्लानिंग कमीशन, जो हमारी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल थी, उन दोनों ने यहाँ पे ग्रांट किया था। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, उसने यहाँ पे स्टेट्स को ग्रांट किया था बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ फीचर्स। जैसे कोई हिली या डिफिकल्ट टेरेन की स्टेट है, किसी के यहाँ बहुत ही लो पॉपुलेशन डेंसिटी है, प्रेजेंस है यहाँ पे साइजेबल ट्राइबल पॉपुलेशन का, स्ट्रेटेजिक लोकेशन में है वो पर्टिकुलर स्टेट हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर्स के, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर या और भी कोई और बैकवर्डनेस है उस स्टेट के अंदर, या फिनेंशियली भी नॉन वायबल है, फिनेंशियली अच्छी नहीं है वो स्टेट, तो उनको हम लोग यहाँ पे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस प्रोवाइड करते थे। अब यहाँ पे अगर कोई स्टेट डिमांड कर रही है कि मुझे स्पेशल कैटेगरी स्टेटस मिलना चाहिए, तो वो क्यों डिमांड कर रही है, उसको फायदा क्या होगा? देखो, स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स
जो होती हैं वो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रांट रिसीव करती हैं बेस्ड ऑन द गडगिल मुखर्जी फार्मूला विच इफेक्टिवली अलाउड फॉर नियरली 30% ऑफ द टोटल सेंट्रल असिस्टेंस टू बी ट्रांसफर टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेटस स्टेट्स एज लेट एज 2009-2010। फिर यहाँ पे नीति आयोग हमारे सामने आई आफ्टर द रिजोल्यूशन ऑफ प्लानिंग कमीशन 14 फाइनेंस कमीशन की यहाँ पे रिकमेंडेशन आई जो सेंट्रल प्लान असिस्टेंस है टू द स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इट हैज़ बीन सब्ज्यूम्ड और यहाँ पे जो डिवोल्यूशन है उसको इंक्रीज कर दिया। 13 फाइनेंस कमीशन ने 32% का डिवोल्यूशन रखा था उसको बढ़ा के 42% कर दिया। तो एक ये बहुत बड़ा रीज़न था जिस वजह से स्पेशल कैटेगरी स्टेटस यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। The FFC also recommended viable such as the forest cover. Forest cover को देखा जाएगा, उसको वेटेज दी जाएगी, जो हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं उनको इसका फ़ायदा होगा। ओके, पॉपुलेशन को भी देखा जाएगा। तो इन सब चीज़ों से यहाँ पे बैलेंस करने की तो कोशिश सरकार ने की थी, बट यहाँ पे बिल्कुल साफ है कि स्पेशल कैटेगरी स्टेटस अभी नहीं दिया जा सकता बिकॉज यहाँ पे डिवोल्यूशन भी बढ़ा दिया और 14th फाइनेंस कमीशन ने भी इसी चीज़ को रिकमेंड किया था। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 7 पे, आपको एक और खबर मिलती है, पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर हिट्स अफगान कजाक रशियन एयरलाइंस। देखो ये वाला जो एरिया है, जो पाकिस्तान का एरिया है, वहाँ पे एयर क्लोजर चल रहा है। एयर क्लोजर का मतलब है कि देखो जब पुलवामा अटैक हुआ था उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान ने दोनों अपने एयर बेसिस को ब्लॉक कर दिया था कि हमारे ऊपर से कोई भी फ्लाइट यहाँ पे नहीं जाएगी। ओके, और इसी के बाद यहाँ पर इंडिया ने तो कुछ ही घंटों के अंदर अपना एयर स्पेस खोल दिया था, बट पाकिस्तान ने अभी भी अपना जो एयर स्पेस है उसको लिमिट किया हुआ है और सिर्फ कुछ देश हैं जो कि पुलवामा अटैक के समय पर पाकिस्तान के साथ खड़े हुए थे, सिर्फ उनको ही अभी अलाउ किया गया है कि वो ही अपनी जो फ्लाइट्स हैं वो पाकिस्तान के अंदर लेकर आ सकते हैं। अब इससे नुकसान क्या हुआ है, मान लो कि दिल्ली से किसी फ्लाइट को यहाँ पर जाना है, हम लोगों को मान लो अपने इस वाले पोर्शन में जाना है, हमारे जो हमारा अरब पोर्शन है वहाँ पे जाना है, तो पहले हम पाकिस्तान के ऊपर से यहाँ पर फ्लाई बाय कर जाते थे, पाकिस्तान के ऊपर से यहाँ से निकल जाते थे, और पर अब हम लोग नहीं निकल पाएंगे तो हमें यहाँ से मुंबई जाना पड़ता है, फिर मुंबई से यहाँ पे जाना पड़ता है। अब इससे नुकसान क्या हुआ, देखो सबसे पहले तो फ्यूल वेस्ट हो रहा है हमारा, एक्स्ट्रा फ्यूल लेकर जाना पड़ रहा है, दूसरी चीज़ है यहाँ पर लोगों का टाइम ज़्यादा खर्च हो रहा है, तीसरी चीज़ है जो एयरक्राफ्ट कंपनीज़ हैं उनका नुकसान हो रहा है। अब एक और सवाल है कि क्या इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं है, तो जवाब है यस, पाकिस्तान का भी नुकसान है। क्यों? क्योंकि अगर किसी भी कंट्री की कोई भी फ्लाइट किसी भी देश के ऊपर से गुजरती है तो उसको उस देश को भी यहाँ पर कुछ चार्ज देना पड़ता है, तो यहाँ पे सबका नुकसान हो रहा है। बट देखते हैं कि पाकिस्तान कब अपना एयर स्पेस ओपन करता है, और यहाँ पे पाकिस्तान एयर स्पेस क्लोजर हिट्स अफगान कजाक और रशियन एयरलाइंस को सबसे ज़्यादा यहाँ पे नुकसान हुआ है। ओके, और इससे यहाँ पर पैसेंजर्स जो हैं वो भी डिक्रीज हो गए हैं जो कि इंडिया से दूर देशों में जाते थे, जो खासकर जो देश हमारे देश से वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और खबर मिलती है पेज नंबर 7 की, ये न्यूज़ है, स्टार्टिंग में इसरो टू लॉन्च अ स्ट्रिंग ऑफ डिफेंस सैटेलाइट्स। तो यहाँ पर इसरो ने 1 अप्रैल को अपनी बड़ी बड़ी सैटेलाइट्स को लॉन्च किया, हम लोग 28 यहाँ पर इंटरनेशनल सैटेलाइट्स को भी लेकर गए अपने PSLV C-45 के अंदर, और हम लोग एमी सैट को भी लेकर गए। अब यहाँ पर लिस्ट आई है कि यह पूरा साल हमारे लिए बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली हर महीने एक नई सैटेलाइट हमें देखने को मिलेगी, इसरो हर महीने एक नई सैटेलाइट लॉन्च करेगी, एक इंपॉर्टेंट ईयर हमारे सामने होने वाला है। जैसे राइसैट 2 भी यहाँ पे मई 2019 के अंदर लॉन्च होगी, कार्टोसैट 3 जून 2019 के अंदर, राइसैट 2B-R1 जुलाई के अंदर, GSAT-1 जो नई सीरीज़ है वो सेप्टेम्बर के अंदर लॉन्च होगी, रिसैट 2B-R2 अक्टूबर के अंदर, GSAT-2 नवंबर के अंदर, RESAT-1A नवंबर के अंदर, और GSAT-3-2 यहाँ पर फरवरी 2020 के अंदर लॉन्च होती हम लोगों को नजर आएगी। कम्युनिकेशन सैटेलाइट GSAT-3-2 इज आल्सो इन द ऑफरिंग नेक्स्ट ईयर टू रिप्लेस GSAT-6 से। GSAT-6 को रिप्लेस करना है हम लोगों को GSAT-3-2 से, क्योंकि यहां पर GSAT-6 से यहां पे फेल हो गई थी, लॉन्च नहीं हो पाया था, और ग्राउंड फोर्सेस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। हम लोग कार्टोसैट 2 की भी सीरीज़ लॉन्च करेंगे जो कि एक हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग सैटेलाइट है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि हाइसिस सैटेलाइट्स को भी हम लोग लॉन्च करेंगे, माइक्रोसैट आर जो हम लोगों ने तबाह कर दी है उसका एक और नया वर्जन हम लोग लॉन्च कर सकते हैं। अब एमीसैट भी यहाँ पे ऑर्बिट में आ चुका है तो उसकी मदद करने के लिए भी हम लोग और सैटेलाइट्स को लॉन्च करने वाले हैं। वाइल अगर हम लोग बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनली जो पेलोड होते थे इसरो की सैटेलाइट्स के, उनको इसरो को पता होता था कि मेरी सैटेलाइट का कितना वजन है, बट रिसेंट जैसे माइक्रोसैट आ रहा है या एमीसैट है, उनका वजन की जानकारी यहाँ पे डीआरडीओ के पास होती है, बिल्कुल एंड मूवमेंट पे वो यहाँ पे इसरो को बताते हैं।
ये एक छोटी सी यहाँ पे चीज़ है. ओके, सून आफ्टर द एमिसेट्स लॉन्च, जो इसरो के जो चेयरमैन हैं और जो सेक्रेटरी हैं डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और द के सिवन, उन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया कि नेक्स्ट मिशन वुड बी द रडार इमेजिंग सैटेलाइट दैट इज राइसेट. राइसेट इज रडार इमेजिंग सैटेलाइट. इसके बाद हमारे सामने आएगी कार्टोसैट 3 जो कि एक हाई रिजोल्यूशन मैपिंग सैटेलाइट है. बोथ आर अंडरस्टूड टू बी यूजफुल मिलिट्रली और यहाँ पे दे आर सीन एज ओवर ड्यू एसेट्स. वो ऐसे एसेट्स हैं जिनको ओवर ड्यू किया जा चुका है और जल्द से जल्द हम लोगों को लॉन्च करना है. पेज नंबर 7 पे एक और खबर, इंडियन स्पेस डेब्रिस में हैव डबल्ड आफ्टर द मिशन शक्ति. मिशन शक्ति के बाद यहां पे इंडिया का जो स्पेस डेब्रिस के अंदर जो कंट्रीब्यूशन था वो 2 गुना हो गया है, ऐसा यहां पे बताया गया है अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन बाय द स्पेस ट्रैक .org. यहाँ पे एक मैप है जिसमें आप देख सकते हो कि इंडिया के, रशिया के, चाइना के कितने यहाँ पे डेब्रिस हैं इन ऑर्बिट और डेब्रिस हैं आउट ऑफ द ऑर्बिट. तो इंडिया का आप देख सकते हो इन ऑर्बिट 80 है और ये आउट ऑफ द ऑर्बिट 343 है. बट ये वाली जो चीज़ें हैं ये अपडेटेड चीज़ें नहीं हैं. और जब हम लोगों ने यहाँ पे माइक्रोसैट आर को डिस्ट्रॉय किया अपने मिशन शक्ति के अंदर, उसके बाद हम लोगों को ये सारी की सारी चीज़ें डबल होती हुई नजर आएंगी. ओके, इन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे बोला गया है. पेज नंबर 7 पे आपको खबर मिलती है अर्ली ब्रेन फंक्शन अफेक्टेड इन पुअर किड्स. यहाँ पर एक रिसर्च की गई फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एंग्लिया जो कि यूएई के अंदर एक यूनिवर्सिटी है. उसने यहाँ पे बताया कि जो बच्चे यहाँ पे पुअर कंडीशंस में पैदा होते हैं, द चिल्ड्रंस बॉर्न इन टू द पॉवर्टी, उनके और जो लोग यहाँ पे एक वेल ऑफ फैमिली में यहाँ पे होते हैं उनके ब्रेन फंक्शन के ऊपर हम लोगों को डिफरेंस देखने को मिलता है. रिसर्चर्स ने यहाँ पे कुछ ब्रेन फंक्शंस को स्टडी किया उन बच्चों के जो कि 4 महीने से और यहाँ पे 4 साल के बीच में बच्चे हैं रूरल इंडिया के अंदर, और देखा कि बच्चे जो कि लोअर इनकम बैकग्राउंड से हैं और जिनकी मदर यहाँ पे बहुत ही लो लेवल ऑफ एजुकेशन उन्होंने पाई है, उनके वो जो बच्चे हैं उनके अंदर जो ब्रेन एक्टिविटी थी वो बहुत ही ज़्यादा वीक थी और उनका जो माइंड है वो बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता था. यहाँ जो टीम थी उसने यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर यहाँ पे स्टडी किया जो कि हमारे देश की सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड रीजन है, पॉपुलेटेड स्टेट है. यहाँ पे देखा गया कि ईच ईयर 250 मिलियन चिल्ड्रंस इन लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज फेल टू रीच देयर डेवलपमेंटल पोटेंशियल. देयरफॉर देयर इज अ ग्रोइंग नीड टू अंडरस्टैंड द ग्लोबल इंपैक्ट ऑफ द पॉवर्टी ऑन अर्ली ब्रेन एंड बिहेवियरल डेवलपमेंट. बहुत ज़रूरी है कि हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी का इम्पैक्ट देखें कि ब्रेन डेवलपमेंट में कैसा है, बिहेवियरल डेवलपमेंट में उसका क्या इम्पैक्ट रहता है. अब यहाँ पे पोर्टेबल फंक्शनल नियर इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोग्राफी डिवाइस का इस्तेमाल किया गया ब्रेन एक्टिविटी को ट्रैक करने के लिए. यहाँ पे इन्वेस्टिगेट किया गया बच्चों के विजुअल वर्किंग मेमोरी को और उसके बेसिस पे यहाँ पे जो रिजल्ट आया है हमारे सामने वो ये है कि अर्ली ब्रेन फंक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है यहाँ पे पुअर किड्स का. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 12 की तरफ. आपको खबर मिलती है FATF के बारे में. FATF वही यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फिनेंसिंग से रिलेटेड यहाँ पे एक्शन लेती है और कुछ देशों को यहाँ पे ग्रे लिस्ट और ब्लैक लिस्ट के अंदर रख देती है. ग्रे लिस्ट का मतलब है कि आपको वार्निंग दी जा रही है और आप लोगों को अपने आप को सुधारना है. और यहाँ पे ग्रे लिस्ट के अंदर 2018 के अंदर पाकिस्तान को रखा गया था. 2019 के अंदर जब यहाँ पे FATF के ग्रुप ने स्टडी किया तो उन्होंने देखा कि पाकिस्तान ने कोई भी सुधार नहीं किया तो पाकिस्तान को फिर से यहाँ पर ग्रे लिस्ट के अंदर डाल दिया. उसी के बाद पाकिस्तान यहाँ पे एक्शन में आ रहा है धीरे धीरे और बहुत सारे टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को बैन कर रहा है और टेररिस्ट को यहाँ पे गिरफ्तार कर रहा है. बट इसी के अंदर इंडिया और यूएस का यही एक कंसर्न है कि क्या वो जो पर्टिकुलर स्टेप है वो इन रियल सेंस हो रहे हैं या सिर्फ वर्चुअली हो रहे हैं, सिर्फ दिखाने के लिए हो रहे हैं या सच्ची में हो रहे हैं, और अगर हो रहे हैं तो कितने लंबे तक वो काम करेंगे. यहाँ पर पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जी ने बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी. उन्होंने बोला पाकिस्तान कुड बी ब्लैकलिस्टेड बाय द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ड्यू टू द लॉबिंग बाय इंडिया. इंडिया की लॉबिंग की वजह से, इंडिया की डिप्लोमेटिक फोर्स की वजह से यहाँ पर पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में भी आ सकता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान को $10 बिलियन सालाना का नुकसान हो रहा है अभी जो ग्रे लिस्ट के अंदर है. ब्लैक लिस्ट के अंदर आ जाएगा तो और भी ज़्यादा नुकसान होगा. आज की डेट में पाकिस्तानी कंडीशन यह है कि कर्जे में डूबता जा रहा है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस चल रहा है, और उस पर्टिकुलर कंडीशन में यहाँ पे एक और हथौड़ा FATF ने मार रखा है. नाउ द फॉरेन ऑफिस इज कैलकुलेटिंग द एनुअल लॉस इफ पाकिस्तान इज पनिश्ड इन द ब्लैक लिस्ट बाय द FATF एस इंडिया इज लॉबिंग फॉर दिस. तो ये पर्टिकुलर आपको न्यूज़ देखने को मिलती है. आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 पे आपको खबर मिलती है व्हाट टर्माइट्स कैन टीच अस अबाउट कूलिंग. टर्माइट्स के बारे में बात हो रही है जिसको आप लोग दीमक के नाम से जानते हो. यहाँ पे जो हरारे नाम की जगह है जो कि कैपिटल है जिम्बाब्वे की, वो यहाँ पे एक एस्टेट बिल्टअप की उन्होंने जिसका नाम था ईस्ट गेट सेंटर.
ठीक है, जिसके अंदर यहाँ पर जो उसका एरिया है वो 350,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, इसके अंदर ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, अच्छी खासी स्पेस हैं। और सिमिलर टाइप ऑफ बिल्डिंग अगर कोई और है यहाँ पे जिम्बाब्वे के अंदर या और कोई जगह पर, उससे 90% लेस एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करती है। अब ये जो पर्टिकुलर ईस्ट गेट सेंटर है, इसका सीक्रेट क्या है? सीक्रेट है यहाँ पे टर्माइट, सीक्रेट है यहाँ पे दीमक, जिसको आप समझते हो कि जो आपको नुकसान पहुंचाती है, आपके बेड वगैरह में घुस जाती है। अब उससे यहाँ पे क्या चीज़ सीखी? यहाँ पे चीज़ सीखी कि कूल कैसे किया जाए, वेंटिलेशन कैसे की जाए, ये चीज़ यहाँ पे सीखी। 1990s के अंदर जो मैक पेयर्स थे वो यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर बिल्टअप कर रहे थे, और उन्होंने यहाँ पर जो फंगस फार्मिंग टर्माइट्स थी, उनके जो माउंट्स थे, जो उनके घर थे, उनसे इंस्पिरेशन ली। उन्होंने देखा कि वो अपने घरों को किस तरीके से सेल्फ एयर कंडीशनिंग सिस्टम यहाँ पे इन्वॉल्व करती हैं, किस तरीके से गर्म हवा आती है वो ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाती है उनके माउंट के अंदर, और किस तरीके से वो वेंटिलेशन करते हैं। उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पर देखा गया और अप्लाई किया गया इस ईस्ट गेट सेंटर वाली बिल्डिंग के अंदर भी। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ हम लोग ही, ह्यूमंस ही यहाँ पे आर्किटेक्ट्स होते हैं, बट हमसे भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स यहाँ पे नेचर ने बनाए हुए हैं। इसी चीज़ को यहाँ पे इस आर्टिकल ने सामने रखा। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 18 की तरफ। यहाँ पे आपको खबर मिलती है विक्रम पटेल विंस ग्लोबल हेल्थ अवार्ड। विक्रम पटेल जो कि एक साइकैट्रिस्ट हैं, प्रोफेसर हैं ऑफ ग्लोबल हेल्थ एट हार्वर्ड्स मेडिकल स्कूल, उन्होंने प्रेस्टीजियस जॉन डर्क्स कैनेडा गर्नर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड जीता है। मिस्टर पटेल ने यहाँ पे एक रिसर्च की दैट जनरेटिंग नॉलेज ऑन द बर्डन एंड डिटर्मिनेंट्स ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन लो एंड मिडल इनकम कंट्रीज, और यहाँ पे पायनियर किया उन सारी की सारी अप्रोच को कि वो यहाँ पे कम्युनिटी को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं जो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से जूझ रही हैं। ओके, तो जो लोग मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स से जूझ रहे हैं उनके लिए इन्होंने रिसर्च करी, उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें सामने रखी, किस तरीके से ट्रीटमेंट हो सकता है, किस तरीके से प्रिवेंशन हो सकता है, उसके लिए उन्हें यहाँ पर ग्लोबल हेल्थ अवार्ड से नवाजा गया है। एक अवार्ड है, इसको याद रख लेना, एक इंपॉर्टेंट अवार्ड है। इनको यहां पर $1,00,000 का कैश मिला है ऑनर, और इनको फॉर्मली प्रेजेंट किया जाएगा ये अवार्ड ऑन October 24, 2019 एट द एनुअल कैनेडा गार्नर अवार्ड गाला, जो कि टोरंटो के अंदर होगा। आगे बढ़ते हैं, पेज 18 पे आपको खबर मिलती है एडिंग एग और मिल्क कैन रिड्यूस स्टंटिंग इन यंग चिल्ड्रंस। यहाँ पे देखो दो चीज़ें हैं जिसके बारे में लोग बार बार कंफ्यूज हो जाते हैं, एक है यहाँ पे स्टंटिंग और दूसरा होता है यहाँ पे फास्टिंग। देखो स्टंटिंग का मतलब ये होता है लो हाइट फॉर एज, याद रखना लो हाइट फॉर एज। कुछ लोगों की उम्र बढ़ती रहती है बट उनकी जो हाइट है वो उस हिसाब से नहीं बढ़ती, तो उस कंडीशन को हम लोग स्टंटिंग कहते हैं। वास्टिंग का मतलब ये होता है लो वेट फॉर हाइट, मतलब हाइट बढ़ रही है बट यहाँ पे वेट नहीं बढ़ रहा, तो W फॉर वेस्ट और W से ही यहाँ पर वास्टिंग है। इस चीज़ से आप लोग रिलेट करके याद रख लेना। यहाँ पे स्टंटिंग के बारे में बात हो रही है। बताया जा रहा है कि अबाउट 38% ऑफ चिल्ड्रंस इन इंडिया बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स आर स्टंटेड। रिसर्च ने यहाँ पे सजेस्ट किया कि जो स्टंटिंग का जो रीज़न है वो ये है कि हमारे देश में ज़्यादातर जो सीरियल बेस्ड फूड हैं उनको ही हमारे बच्चे कंज्यूम करते हैं, जिनके अंदर प्रोटीन की बहुत ज़्यादा कमी होती है, दैट कैन बी वेल डाइजेस्टेड, और यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट ऑफ हम लोग सर्टेन असेंशियल अमीनो एसिड्स उनके अंदर देखते हैं, जैसे यहाँ पे लिसिन। इसी के लिए यहाँ पे बच्चों को एग और यहाँ मिल्क का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए। आप देख सकते हो स्टंटिंग की साइकिल कैसे होती है, वो भी मैंने लगाई हुई है कि यहाँ पे माल न्यूट्रिशन मदर होती है तो यहाँ पे अंडरवेट बेबी हो जाता है, इस वजह से स्टंटेड चाइल्ड हो जाता है, और ये एक बहुत बड़ी कंडीशन होती है। और यहाँ पे सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु के अंदर ये रिसर्च की गई, मेजर किया गया डाइजेस्टिबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ द कॉमनली यूज्ड कॉम्प्लीमेंट्री फूड्स इन यंग चिल्ड्रन, और यही चीज़ देखी गई कि जैसे मंग बीन्स को बच्चे खाते हैं विच आर लेग्यूमिनस, दे आर कंसीडर्ड टू बी हाई क्वालिटी प्रोटीन सोर्स बट दे आर नॉट वेल डाइजेस्टेड, और वो अच्छी तरीके से हमारी बॉडी एब्जॉर्व नहीं करती क्योंकि यहाँ पर वो पर्टिकुलर हमारी बॉडी के अंदर एमिनो एसिड्स नहीं होते हैं। तो हाई क्वालिटी ऑफ फूड बच्चों को देनी चाहिए जिसके अंदर एग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इस चीज़ को यहाँ पे बोला गया। बाकी सारा कुछ डेटा है इसी पर्टिकुलर आर्टिकल से रिलेट करते हुए, इसको आप लोग नोट्स में डाउनलोड कर लेना। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोग को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो को एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइस एंड हैव अ गुड डे अहेड।